नंबर 9 पे चलते हैं। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और यदि टेन ए बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसका नाम एक दे दीजिए, क्या कह रहा है इसमें कि जिसका बी समकोण है, तो पहले तो इसका नाम लिख दीजिए कि ये बी है एंगल, ठीक है। अच्छा, इसको ए ले लीजिए और ये वाला जो शीर्ष है इसको सी दे दीजिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। दिया है टेन ए बराबर 1/√3। अच्छा टेन ए बराबर, अच्छा एक चीज बताइए, तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं आप, जानते हैं क्या, लंब और बटा में आधार। टेन थीटा बराबर आपको बताया ना, लंब बटा आधार, यानी कि ऊपर वाला लंब है नीचे आधार, यानी कि यहाँ टेन ए बराबर जब ये अब कोण है तो ये सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा बी सी और बटा में आधार क्या हो जाएगा ए बी। ए ना होगा, आपको क्या करना होगा, यहां मानना होगा कि माना बी सी बराबर के, बी सी को के मान लेंगे, वन है तो के हो जाएगा, वन के लिखिए या के लिखिए एक ही बात है, और ए बी बराबर हो जाएगा √3 के। अब रहा बात एसी का, तो पहले आप एसी निकालिए, तो एसी बराबर हो जाएगा √ क्या हो जाएगा, तो बी सी का स्क्वायर और प्लस में ए बी का स्क्वायर। ए ना होगा, यानी हो जाएगा यहाँ पे k का स्क्वायर और प्लस में √3 का स्क्वायर, इन्हें करेंगे। चलिए k स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ हो जाएगा रूट हट जाएगा ना, 3k स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये हो गया √4k स्क्वायर, यानी कि ये 2k आ गया। तो AC का मान क्या आ गया 2k, BC का मान है k और AB का आ गया √3k, ये माने हुए हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में आपको देख रहे हैं कि साइन ए का मान चाहिए, कॉस सी का मान चाहिए, कॉस ए का मान चाहिए और साइन सी का मान चाहिए। तो एक एक करके दोनों को निकालते हैं। पहले आपको यहाँ लिखवा दें कि आप पढ़े हुए हैं साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, ठीक है, और कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण। ये लिख देना उचित रहता है ताकि आप आसानी से बना सके। चलिए आपको साइन ए का मान चाहिए, साइन ए, तो जब ये कोण होगा तो ये आपका लंब होगा और ये कर्ण होगा ना, ये जब आपका ए कोण है तो इसके सामने वाला लंब होगा, यानी कि हो जाएगा बी सी बटा में ए सी, है ना, यानी के बटा में 2k कट जाएगा यहाँ एक बार में 1/2। चलिए अब साइन सी हो गया, साइन ए हो गया, कॉस ए भी निकाल देते हैं ना, कॉस ए, तो जब ये कोण लिए हैं तो आपका ये आधार होगा ना, आधार बटा कर्ण होता है ना कॉस बराबर, तो आधार हो जाएगा ए बी और कर्ण हो जाएगा ए सी, यानी कि √3k और बटा में 2k, के से के यहाँ कट जाएगा √3/2। अच्छा अभी और किसका मान चाहिए, तो साइन सी और कॉस सी दोनों का चाहिए, तभी फिर अब साइन सी और कॉस सी का निकालते हैं। तो साइन सी, साइन सी देखिए यहाँ पे साइन सी यानी कि कोण अब इसको लिया जा रहा है, ठीक है, कोण इसको लिया जा रहा है, तो साइन निकालेंगे तो ये वाला आपका लंब होगा और ये वाला कर्ण होगा, होगा ना, समझ रहे ना, जब कोण बदलता है तो उसके सामने वाला लंब हो जाएगा। चलिए तो आपका हो जाएगा ए बी और बटा में ए सी, होगा ना, यानी कि ए बी का वैल्यू है आपका कितना √3k, अच्छा और बटा में क्या हो जाएगा आपका 2k, के से के यहां कट गया √3/2 इसका मान आ गया। चलिए अब क्या बचा है, तो कॉस सी भी निकालना है, कॉस सी निकालना है, तो कॉस सी निकालिएगा तो आधार और बटा में कर्ण, जब ये कोण लिया तो आधार ये होगा, यानी हो जाएगा बी सी और बटा में ए सी, यानी कि हो जाएगा के और बटा में 2k, के से के कट गया, यहाँ आ गया 1/2। चलिए आपको मान किसका निकालना है, तो निकालना है साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी। चलिए तो यहाँ निकालते हैं, आपको पहले में निकालना है मान साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, तो सबके मान तो हम लोग निकालिए, यहाँ खाली आपको रख देना है, सिंपल यहाँ रखना ही है ना, साइन ए का मान 1/2, कॉस सी का मान 1/2 प्लस कॉस ए का मान √3/2 और साइन सी का मान √3/2, यानी कि देखिए ये हो जाएगा 1/4 और प्लस में √3 से गुणा का 3/4, एलसीएम ले लीजिए 4 1+3, यानी कि 4/4 कट के आ गया 1, इसका मान कितना आ गया 1। अच्छा दूसरा क्या है आपका, तो दूसरा आपको निकालना है कॉस ए कॉस
कॉस ए कॉस सी और साइन ए साइन सी। चलिए इसका भी निकालते हैं। सेकंड नंबर में है आपका, सेकंड नंबर में कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, है ना। चलिए इसको निकालते हैं। ये जो मान निकले नहीं को ना रखना है, चलिए तो इसमें भी रख दीजिए। चलिए तो यहाँ रखना है, पहले आपको यहाँ रख देते हैं कॉस ए, तो कॉस ए का देखिए यहाँ रूट तीन बट्टा में दो गुना कॉस सी, तो कॉस सी का मान है एक बट्टा दो माइनस साइन ए, तो साइन ए का ऊपर निकाले थे ना, साइन ए का मान वन बाई टू, चलिए तो यहाँ रख देते हैं वन बाई टू, और गुना में साइन सी, तो साइन सी का है यहाँ पे रूट थ्री बाई टू। देखिए तो दोनों सेम ही है ना, ये गुना करिएगा तो ये भी रूट थ्री बाई फोर और ये भी रूट थ्री बाई फोर, यानी घट के क्या आ गया जीरो, समझ गए, आंसर आ गया। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला